नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बिहार में 7 शहरी ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध पर आज लोकसभा में वक्तव्य देंगे। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78% हुई। देश भर में अब तक 37,80,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन का आज अंतिम दिन। और भारत चीन को हराकर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना। समाचार प्रभात के संक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, जबकि 2 मलजल उपचार और 1 नदी क्षेत्र विकास की हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रूपये है। इनका कार्यान्वयन शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे के अंतर्गत पटना के बेउर और करमली चक में 151 करोड़ की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके बन जाने के बाद अब प्रतिदिन 8 करोड़ लीटर दूषित पानी अब गंगा नदी में नहीं बहेगा। श्री मोदी अमृत मिशन के तहत छपरा और सिवान में जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन करेंगे। इससे लोगों को 2400 घंटे शुद्ध पेयजल मिलेगा। मुंगेर और जमालपुर में जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद 3 लाख नागरिक शुद्ध पेयजल से लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नमामि गंगे के तहत मुजफ्फरपुर नदी तट विकास योजना का भी शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर के पूर्वी अखारा घाट, सीधी घाट और चंदवारा घाट विकसित किए जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए इन घाटों पर उचित सुरक्षा प्रबंध, साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे गतिरोध पर आज लोकसभा में वक्तव्य देंगे। इस मुद्दे पर बहस की विपक्ष की मांग के संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान काफी महत्वपूर्ण होगा। लोकसभा में आज सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर विचार और पारित कराने के लिए रखे जाने हैं। राज्यसभा में आज ऋण संशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत किए जाने की भी संभावना है। मॉनसून सत्र के पहले दिन कल संसद ने लोकसभा की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति विधेयक 2020 पारित किया। इस वर्ष बजट सत्र के दौरान 19 मार्च को राज्यसभा इन विधेयकों को पारित कर चुकी है। इन विधेयकों का उद्देश्य होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। होम्योपैथी आयोग में 20 सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष के अलावा होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के महानिदेशक और होम्योपैथी के लिए चिकित्सा समीक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 का स्थान लेगा और इसके स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग का गठन किया जाएगा। इन दोनों विधेयकों में होम्योपैथी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए सलाहकार परिषदों का भी गठन करने का प्रस्ताव है। कीमतों के निर्धारण और कृषि कार्य पर किसानों की सहमति से संबंधित विधेयक कल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते हुए श्री तोमर ने कहा कि विधेयक किसानों के हित के लिए है। इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा, खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। ये करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा और अच्छी और वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर एक किसान खेती करेगा, उत्पादन करेगा और जब वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसको उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। जो व्यक्ति करार करता है वो किसान से एग्रीमेंट के समय मिनिमम मूल्य का करार देगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश की संसद एक स्वर से सीमा की सुरक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ा होने का संदेश देगी। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में कल श्री मोदी ने कहा कि सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में डटे हैं और सभी सांसद सैनिकों के समर्थन में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और सांसदों ने कोरोना संकट के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन का रास्ता चुना है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था, इस बार भी दिन में दो बार, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल को 30 मिनट करने पर अधिकांश दलों के नेता सहमत थे। संसद की कार्रवाई इस बार हम लोगों को करनी पड़ रही है, इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि केवल 4 घंटे के लिए ही सदन चलेगा। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि क्वेश्चन आवर इसमें न हो, आधे घंटे का एक जीरो आवर हो कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपनी किसी आशंका का समाधान करना है तो उस आधे घंटे में वह कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। आज से राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की शाम की पाली में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक 18 बैठकें होनी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति फिर चुन लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्ताव को सदन ने मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके उपसभापति निर्वाचन की घोषणा की। श्री हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड सांसद सभी रूप में लोकप्रिय हैं। हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 78% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। फिलहाल भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.64% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। पिछले 24 घंटों में 1,136 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है और मरने वालों की कुल संख्या 79,722 हो गई है।
मध्य प्रदेश में कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिदिन 20,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है, जबकि लगभग 17 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में सितंबर माह में संक्रमण के 26,765 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 397 रोगियों के मरने की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 2,483 मामले सामने आए हैं। कोविड 19 के रिकॉर्ड मामले सामने आने के कारण प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 90,730 तक पहुंच गई है। वहीं 29 और मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1,791 हो गई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 1,713 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इससे राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 67,711 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 7,020 एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र हैं और 21,228 सक्रिय मामले हैं। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में कोविड 19 मामलों की संख्या 17,161 तक पहुंच गई है। वहीं राजधानी भोपाल में 13,431 मरीज हैं, जबकि ग्वालियर और जबलपुर में क्रमशः 7,825 और 6,441 मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कल 15,789 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 7,55,850 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 70.16% हो गई है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एक साल के लिए एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। कल इस बारे में अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि ऐसे वाहनों को आपात और आपदा प्रबंधन सेवाओं का वाहन माना जाएगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे वाहनों को आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों पर वाहन माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों की एक संयुक्त बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 11% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लगभग 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। राज्य वर्तमान में 1000 मैट्रिक टन से अधिक उत्पादन कर रहा है, लेकिन कुछ स्थानों से ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इन शिकायतों के मद्देनजर उन्होंने सभी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों को अपने वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में एक दिन में कोविड के 1,334 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में स्वस्थ होने की दर 82.84% हो गई है। गुजरात में अब तक कोविड 19 के लिए 33,60,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 71,507 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। संक्रमण के 1,334 नए मामलों में से सबसे अधिक 278 मामले सूरत में दर्ज हुए। राज्य में कोविड 19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,996 हो गई है। राज्य में 16,501 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 93 मरीज वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर 1,255 मरीजों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 95,265 हो चुकी है। कल 17 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,230 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल अपना कोविड टेस्ट करवा के एक वीडियो संदेश साझा किया। नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट के बाद श्री रूपाणी ने लोगों को परीक्षण के लिए सामने से आगे आने का अनुरोध करते हुए कहा, टेस्ट इज बेस्ट। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर करीब 46,900 रह गई है। 4,53,000 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इस बीच राज्य सरकार का शिक्षा विभाग महामारी के कारण पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव करने के प्रयास कर रहा है। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में लगभग 40% की कटौती कर दी है। 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को नहीं छेड़ा गया है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर छात्रों को अनेक प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं। इस बीच राज्य के अन्ना विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों के इंजीनियरिंग छात्रों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। ये परीक्षाएं इस महीने की 24 तारीख से ऑनलाइन होनी है। परीक्षा की अवधि 1 घंटा हो सकती है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं। छात्रों से कहा गया है कि परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आदि को इंटरनेट कैमरा और माइक के साथ तैयार रखें। परीक्षाओं से पहले इनके संचालन का अभ्यास भी कराया जाएगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र।
सरकार ने गृह मंत्रालय की 1 अक्टूबर से देशभर के सिनेमा हॉल दोबारा खोलने के आदेश पर मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथ साफ रखने और मास्क लगाने जैसे एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है। Regular hand washing should be done. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others. Then if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बिहार में 7 शहरी ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध पर आज लोकसभा में वक्तव्य देंगे। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78% हुई। देशभर में अब तक 37,80,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन का आज अंतिम दिन और भारत चीन को हराकर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि प्याज के प्रत्येक किस्म के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय आयात निर्यात संबंधी मुद्दों पर नजर रखता है। संक्रमणकालीन व्यवस्था के प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल 2 दिन के दौरे पर है। निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार का ये दल कल पटना पहुंचा। राज्य में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का ये पहला दौरा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। असम सरकार ने राज्य के 60,000 मूल निवासियों को 5 अक्टूबर तक भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में हुई बैठक में कल इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 1 साल के भीतर असम के 1 लाख से ज्यादा मूल परिवारों को भूमि पट्टा उपलब्ध कराएगी। बैठक में माजुली, तेजपुर और बारपेटा के 3 बाढ़ राहत केंद्र की शीघ्र स्थापना का भी फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में राजौरी पुलिस ने तस्करी की कोशिश नाकाम करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इस सिलसिले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मादक पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली ने बताया कि हेरोइन जैसा 7 किलोग्राम मादक पदार्थ मिला है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सीमा पार तस्करी सहित अन्य पक्षों की जांच की जा रही है। मामले में और गिरफ्तारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने संयुक्त रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के दौरान तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पक्षों के साथ विशेष रूप से पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर आयोजित वेबिनार में तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विशेषज्ञ और विद्यार्थी शामिल हुए। दक्षिण क्षेत्र के महानिदेशक वेंकटेश्वर ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के संपर्क का एक अनूठा अवसर रहा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान से दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संपर्क कायम करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सूचना निदेशक के बी जांदियाल ने
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऐतिहासिक भौगोलिक और जनसांख्यिकीय पक्षों के बारे में बताया। चेन्नई के प्रोफेसर बर्नार्ड सामी ने तमिलनाडु के स्थापत्य और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व महानिदेशक पर्यटन सलीम बेग ने वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सांस्कृतिक समृद्धि और विभिन्न पर्यटक स्थलों की चर्चा की। हालांकि कोविड महामारी के कारण इन स्थलों पर सुगमता से पहुंच बाधित हुई है, लेकिन डिजिटल संपर्क के नए माध्यम खुले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से गांधी दर्शन श्रृंखला में विभिन्न विषयों पर महात्मा गांधी के विचारों पर रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है। महात्मा गांधी पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बहुत ही सजग थे। 1909 में अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में उन्होंने भारतीयों को अनियंत्रित औद्योगिकरण और भौतिकवाद के खिलाफ सतर्क किया था। एक रिपोर्ट। लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी ने नदियों और अन्य जन निकायों को प्रदूषित करने पर लोगों की आलोचना की थी। उन्होंने कारखानाओं को धुएं और शोर से हवा को प्रदूषित करने के लिए भी आलोचना की। उनका मानना था कि भारत अपनी बड़ी आबादी और पश्चिमी विकास मॉडल से पृथ्वी के संसाधनों को समाप्त कर सकता है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन पूरा करने के लिए नहीं। उनके इस सलाह को पालन करना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने वास्तविक जरूरतों और कृत्रिम चाहतों के बीच अंतर कर सके। गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य को खुद में वो बदलाव लाना चाहिए जो वो दुनिया में देखना चाहता है। महात्मा गांधी ने जो उपदेश दिया, खुद उसका पालन और अभ्यास किया। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। भारत 2021 से 2025 तक 4 वर्ष के लिए इस प्रतिष्ठित संस्था का सदस्य रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यह चयन स्त्री पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। महिला स्थिति आयोग के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में भारत, अफगानिस्तान और चीन ने भाग लिया था। 54 सदस्यों के बीच भारत और अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई, जबकि चीन को आधे से भी कम मत मिले। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश का आज अंतिम दिन है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल पद्म अवार्ड्स पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत रत्न तथा पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठित संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सिफारिश करें। और अब एक नज़र देश भर में आज के मौसम के अनुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और सामान्य वर्षा हो सकती है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चलें चेन्नई तो वहां भी हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में भी गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में एक या दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या है खास। भारत संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है।
दैनिक जागरण की सुर्खी है मॉनसून सत्र है बदले बदले से सरकार नजर आए। हिन्दुस्तान लोकसभा लाइव शीर्षक से लिखता है सांसदों का जोश कोरोना पर भारी पड़ा। जनसत्ता के शब्द हैं प्रधानमंत्री सहित कई सदस्य नजर आए रंग बिरंगे मास्क में। चीन ने छेड़ा हाइब्रिड युद्ध बिग डेटा से भारतीय हस्तियों की जासूसी राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत बड़ी हस्तियों की जासूसी कर रहा ड्रैगन। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48,000 झुग्गियों को नहीं हटाने की खबर अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से ली है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है संकट टलते ही झुग्गीवासियों के चेहरे खिले। हरी भूमि के शब्द हैं रेल लाइन के किनारे बनी झुग्गियां अंतिम निर्णय लेने तक नहीं हटेंगी। किसान का बेटा जापान का नया प्रधानमंत्री होगा हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 71 वर्षीय योशिदे सुगा होंगे अगले प्रधानमंत्री। अमेजन ने किया 1,00,000 नौकरियां देने का ऐलान राष्ट्रीय सहारा ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है। पत्र लिखता है ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी आने के बाद कंपनी ने की भर्तियां शुरू करने की तैयारी। 500 मीटर ऊंचे पहाड़ पर पहुंचने के लिए 30 साल में बनाई 800 सीढ़ियां राजस्थान पत्रिका मिसाल शीर्षक से लिखता है राजस्थान के सवाई माधोपुर में 70 वर्षीय घनश्याम की मेहनत रंग लाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बिहार में 7 शहरी ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध पर आज लोकसभा में वक्तव्य देंगे। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78% हुई। देश भर में अब तक 37,80,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन का आज अंतिम दिन। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।